नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर के आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है केंद्र शासित प्रदेश। देखो विद्यार्थियों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक नया बदलाव आया है और इसी बदलाव को लेकर के आई हूँ मैं इस वीडियो में। तो आज अपना टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। क्या है केंद्र शासित प्रदेश? देखो विद्यार्थियों, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हमारा जो भारत है उस भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले विद्यमान थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या बदलाव है वो हम देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, और दिल्ली जो कि हमारी भारत की राजधानी भी है और जहां पर विधानसभा भी मौजूद है। क्या है? विधानसभा भी मौजूद है। हमारा जो दिल्ली है राजधानी होने के कारण 69वां जो संविधान संशोधन हुआ, उस 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। किसको? दिल्ली को। इसके अलावा 70वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी दिल्ली की विधानसभा भाग ले सकती है। तो 69वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करता है, और 70वां संविधान संशोधन क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है उसके चुनाव में भी दिल्ली की विधानसभा भाग ले सकती है। विद्यार्थियों, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है आपका चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ विद्यार्थियों ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। दोनों स्थल में है ये केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? दिल्ली और चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और यहाँ पर विधानसभा नहीं है। विद्यार्थियों, यहाँ पर विधानसभा नहीं है। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो है आपका दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली। तो ये है आपका दादरा व नगर हवेली, और यहीं पर आता है आपका दमन व दीव। दमन व दीव की जो राजधानी है वो दीव है, और दादरा और नगर हवेली जो है उसकी राजधानी जो है वो क्या है? सिलवासा है। क्या है? सिलवासा। ये हमारे दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दादरा और नगर हवेली गुजरात सीमा के नीचे आती है, और महाराष्ट्र सीमा पर आ रहा था आपका दादरा व नगर हवेली। दोनों पर ही पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा है। किसका आधिपत्य रहा है? पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा है। विद्यार्थियों, किस पर? दादरा और नगर हवेली पर। दादरा और नगर हवेली पर पुर्तगालियों का क्या रहा है? आधिपत्य रहा है। 1961 में दादरा नगर हवेली, दमन व दीव को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया गया था। गोवा को भी इसी में 1961 में शामिल किया गया, लेकिन 1987 में गोवा को क्या बना दिया? राज्य बना दिया गया, और दमन व दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। राजधानी आपको ध्यान रखनी है, दादरा व नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, दमन व दीव की राजधानी है आपकी दीव है। ठीक है, अब बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि 3 दिसंबर 2019 को
एक विधेयक पारित हुआ और उस विधेयक के आधार पर इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमारी भारत सरकार के खर्चे को ध्यान में रखते हुए इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। किसको? दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव को 3 दिसंबर 2019 को विद्यार्थियों एक कर दिया गया है, ठीक है। और जो आपका जो है दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव को एक करने के पीछे ये था कि केंद्र सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक व्यय पड़ रहा था, अब एक साथ इन पर जो है प्रशासन केंद्र सरकार चला सकती है, ठीक है विद्यार्थियों। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा राज्य था, इस जम्मू एंड कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे और दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और यहाँ पर जो कार्य प्रारंभ होगा वो कार्य प्रारंभ किया गया 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था को लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य जहाँ पर विद्यार्थियों दो धाराएं लगी हुई थी, एक तो है आपका धारा 370 को जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया गया विद्यार्थियों, समाप्त कर दिया गया। धारा 370 में क्या था विद्यार्थियों, धारा 370 कहती थी कि जम्मू कश्मीर का स्वयं का क्या होगा, झंडा होगा, जम्मू कश्मीर भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे जरूरी नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के नागरिक को दोहरी नागरिकता दी जाएगी, ये बात कहती है आपको धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करती थी, वो थी आपकी धारा 370 जिसको 5 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति घोषणा के साथ ही समाप्त कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता थी। अगर इसके अलावा जम्मू कश्मीर के नागरिकों का अलग झंडा था, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता था, मतदाता सूची में अपना नामांकन दर्ज नहीं करवा सकता था, ये थी हमारी धारा 370 जिसको समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी के साथ विद्यार्थियों धारा 35A को भी समाप्त किया गया था, किसको? धारा 35A। धारा 35A में क्या था विद्यार्थियों, कहा गया कि जम्मू कश्मीर की महिला अगर भारतीय नागरिक के साथ क्या कर ले, विवाह कर ले, तो उस महिला की नागरिकता क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। धारा 35A में था कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला भारतीय नागरिक के साथ विवाह करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर वह जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तानी के साथ विवाह करती है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, ये बात धारा 35A में था। तो इस धारा 35A को भी 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया और इस धारा 370 में जो तीन खंड थे, कितने खंड थे विद्यार्थियों, तीन खंड थे, खंड 1, खंड 2 और खंड 3, इसमें खंड 2 और 3 को क्या कर दिया गया विद्यार्थियों, समाप्त कर दिया गया। धारा 370 के खंड 1 और खंड 2 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब
ये कहना होगा कि धारा 370 के खंड ए को क्यों समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि धारा 370 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए खंड एक को समाप्त नहीं किया गया। धारा 370 के खंड दो और खंड तीन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अब बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 को लगे हुए आज इतने साल हो गए, लेकिन अब तक धारा को समाप्त क्यों नहीं किया जा सका, क्या रीजन था कि धारा 370 को समाप्त नहीं किया जा सका। तो इसके पीछे रीजन था बच्चों कि हमारी धारा 370 के खंड तीन में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति घोषणा के साथ ही धारा 370 को समाप्त कर सकती है, बशर्ते जम्मू कश्मीर की विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक थी। इसीलिए अब तक धारा 370 को समाप्त नहीं किया जा सका, लेकिन इस समय जब धारा 370 को समाप्त किया गया, उस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग थी, विधानसभा उस समय नहीं थी, राष्ट्रपति ने आदेश निकाला और राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही संसद भवन में इसको रखा गया। संसद भवन में हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रस्तुत किया, राज्यसभा से लोकसभा ने पास करने के साथ ही हमारे देश में जम्मू कश्मीर को जो अलग नागरिकता थी उसको भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। विद्यार्थियों, धारा 370 और 35 ए को समाप्त कर दिया गया और केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनकी संख्या में भी एक नया बदलाव आ गया। वो ये था कि केंद्र शासित दो नए प्रदेश बन गए, वो था आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा प्रदेश था आपका क्या, लद्दाख। लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी कहां की तरह, दिल्ली की तरह, दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और वहां पर चुनाव भी होंगे, जबकि लद्दाख में चंडीगढ़ की तरह कोई विधानसभा नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभाएं होगी और वहां पर भी जो है वहां का जो शासन है वो दोनों जगह ही प्रशासकों को नियुक्त किया जाएगा। तो आपने देखा दो नए प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो 31 अक्टूबर से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो आपने देखा पहला हमने पढ़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दूसरा पढ़ा आपने चंडीगढ़, और इन दोनों को मिला करके एक बन गया दादरा व नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब आती है दो आपको ध्यान रखने हैं विद्यार्थी, इधर है आपका लक्षद्वीप और इधर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका कौन सा केंद्र शासित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की राजधानी है आपका कवरत्ती। क्या है, कवरत्ती। और एक ध्यान रखना, तमिलनाडु की सीमा पर है आपका पुडुचेरी, जो कि तमिलनाडु की सीमा पर आती है और 300 साल तक जहां तक फ्रांस ने अपना आधिपत्य इस पुडुचेरी पर रखा था। तो आपने देखा पहला केंद्र शासित प्रदेश आएगा आपका कौन सा, दिल्ली, कौन सा आएगा, दिल्ली। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश करना है आपको चंडीगढ़, ठीक है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश आएगा आपका जम्मू कश्मीर। चौथा केंद्र शासित प्रदेश आएगा आपका लद्दाख, ठीक है। पांचवा केंद्र शासित प्रदेश आएगा आपका पुडुचेरी, ठीक है। तो चार है आपके स्थल में केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, गुणाधीनाय गुणाधीनाय।
लक्षद्वीप। तो आपने देखा विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 9, लेकिन दिसंबर में जो विधेयक पारित हुआ उसके बाद अब जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो हो गई है 8। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में एक नया बदलाव 2019 में देखा गया विद्यार्थियों, कि जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, वहां पे दमनदीव और दादरा और नगर हवेली दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है कितनी? 8 है। पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, चौथा लद्दाख, पांचवा पुडुचेरी, छठा दमनदीव, दादरा और नगर हवेली, सातवां है अंडमान निकोबार और आठवां है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी ध्यान रखना है कवरत्ती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ध्यान रखनी है विद्यार्थियों पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दिल्ली आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दादरा नगर हवेली की आपकी सिलवासा है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि एक बंदरगाह भी है। तो आपने देखा केंद्र शासित प्रदेश। तो आगे के वीडियोस में भी हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं और बच्चों अगर आप केंद्र कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में कितने हैं। तो ध्यान रखना है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आगे के वीडियोस में हम राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। तो देखते रहिए और बने रहिए नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर, और आगे के इसी तरीके के जो कंपटीशन एग्जाम्स के वीडियो आपके आने वाले हैं उनको आपको देखना है, शेयरिंग करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। विद्यार्थियों धन्यवाद।